गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हमने कल बी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ही एंटर्ड विद अ वरिड लुक ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे कौन आया वरिड फेस लेकर, हु एंटर्ड विद अ वरिड लुक, तो हम आंसर में लिखेंगे अंकल डी अम्मास यंगेस्ट ब्रदर। जो अंकल डी थे, जो मेरी अम्मा के सबसे बड़े भाई थे, वो बहुत ही वरिड फेस लेके, दुखी सा मुंह लेकर आए थे। व्हाट न्यूज़ डिड ही ब्रिंग, वो कौन सी न्यूज़ लाए थे। ही टोल्ड अम्मा दैट आची वॉज़ वेरी इल। तो उन्होंने बताया कि अम्मा को कि आची बहुत ज़्यादा बीमार है। देन सी वन इज़ व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट, और ये वीक का कौन सा दिन था जब आची बीमार हो गई थी। इट वॉज संडे। थर्ड, देयर फेसेस बोर्ड द साइंस ऑफ डीप ग्रीफ, उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था कि सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं और डर गए हैं। नाउ ए वन, हूज फेसेस बोर्ड द साइंस ऑफ डीप ग्रीफ, किसके फेसेस ऐसे लग रहे थे। ऑल माय आंट्स फेसेस बोर्ड द साइंस ऑफ डीप ग्रीफ, जितनी भी मेरी आंट्स थी उनके फेस पे ये डर दिख रहा था। ऑप्शन नंबर सेकेंड वन इज़ वाई वर दे अफ्रेड, वो क्यों डर गई थी। दे वर अफ्रेड ऑफ आचीज डेथ, उनको आची की डेथ का डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। वॉट थाट्स क्रॉस्ड द नरेटर्स माइंड एट दिस स्टेज, उस टाइम नरेटर के माइंड में क्या बातें आ रही थी। ही थाट दैट देयर वॉज समथिंग अबाउट आची ही डिडंट न्यू, उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा कुछ तो है आची के बारे में जो मुझे नहीं पता। देन मच रिस्पेक्ट फॉर आची केम इन हिज माइंड, और उस दिन वैसे आप हमने स्टोरी में पढ़ा था कि नरेटर को ज़्यादा पसंद नहीं थी आची, लेकिन उस दिन उस नरेटर के माइंड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आने लगी और वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगे आची की। और हमने स्टोरी में पढ़ा था बिफोर ही यूज़ टू नॉट लाइक आची दैट मच, बट उस दिन वो बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करने लगे और उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ तो है आची के बारे में जो मुझे नहीं पता। सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक और क्वेश्चन आंसर्स वील कंटिन्यू टुमारो।